सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियस। जैसे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, छोटा सा आप कुछ सिस्टम चला रहे हैं, तो हर एक चीज का एक मेन कंट्रोल ऑफिस जरूर होता है, मेन कंट्रोल ऑफिस या मेन हेड ऑफिस। तो सेल का जो हेड ऑफिस होता है उसको हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियस, और अपने इसी हेड ऑफिस के थ्रू सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। यूजुअली हम न्यूक्लियस किसी भी चीज के सेंट्रल पार्ट को भी कह रहे होते हैं कि एक्चुअली इट इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये बड़ी एक इसकी पोजीशन न्यूक्लियस वाली पोजीशन है, ये न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी का मेन सेंटर है। तो सेंट्रल पार्ट के लिए भी हम वर्ड न्यूक्लियस यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, या यूजुअली हम इन जनरल सेल में हम न्यूक्लियस कहते हैं कि सेंट्रल पार्ट ही हो रहा होता है। तो इसलिए हम न्यूक्लियस के लिए जनरल जो वर्ड यूज किया जाता है, इज एक्चुअली सेंट्रल पार्ट, हेड ऑफिस, या फिर हम कंट्रोल ऑफिस ऑफ द सेल। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एमसीक्यूज बहुत से बन सकते हैं, आपकी वैसे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि कौन से सेल ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के नंबर कितना है, कोई ऐसा सेल है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, फिर ई न्यूक्लियेटेड सेल और प्रोक्रियोटिक के दरमियान फर्क क्या है, बाई हमारे पास न्यूक्लियेटेड, डाइक्रियोटिक, ये कैरी ऑन वर्ड, न्यूक्लियेटेड वर्ड, ये कहां से आ रहे होते हैं। बड़े डीप कॉन्सेप्ट हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप मिस ना कर दें, क्योंकि हर पॉइंट पर कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट में कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस के वाले से बता रहा होगा। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं, और यही एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जो है वो इसकी फंक्शन बेस्ड डेफिनेशन है। जो न्यूक्लियस का एक्चुअली फंक्शन होगा वही उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, और बिल्कुल किस सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे होते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ द की फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, की फीचर जिससे हम उसको पहचानते हैं, तो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो वर्ड निकला न्यूक्लियस से, तो यू कैरियो वर्ड मीन ट्रू न्यूक्लियस के साथ सेल, तो यही सेल कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द मेन जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल करता है, विद इन द न्यूक्लियस मौजूद होता है एक डीएनए जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को कैटालाइज करने का काम एंजाइम कर रही होती हैं, और एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होती हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज होता है, जो पैगाम होता है, वो न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास होता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर एक्चुअली होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बनाता है वन जेनेटिक कोडान, जिसको कोडान कह रहे होते हैं, और बहुत से जेनेटिक कोडान का एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड को क्या कर रहा होता है, स्पेसिफाई कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड जीन। तो इस तरह से एक्चुअली न्यूक्लियस किसके थ्रू काम कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी जीन के थ्रू, जेनेटिक मैसेज के थ्रू आपके तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जेनेटिक मैसेज किसके लिए होगा, प्रोटीन के लिए, बिकॉज प्रोटीन आर एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। सेल का जो बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल। सो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल बाय फॉर्मिंग आरएनए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज होता है वो ट्रांसलेट, उसकी डिकोडिंग होती है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड दीज प्रोटीन आर एक्चुअली एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स एक्चुअली कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। सो न्यूक्लियस का काम क्या होगा, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। व्हाई इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, बिकॉज इट कंटेन क्रोमोसोम, एंड व्हाई क्रोमोसोम कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, बिकॉज दे कंटेन
डीएनए एंड व्हाई डीएनए कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल बिकॉज डीएनए कंटेन जीन्स एंड व्हाई जीन्स कंट्रोल या हाउ जीन्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल बिकॉज जीन्स स्पेसिफाई एंजाइम स्ट्रक्चर एंड व्हाई एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्चुअली कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल कैटालाइज बिकॉज दे आर एक्चुअली कैटालिस्ट आर दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं डिस्कवरी। तो शुरू में अभी न्यूक्लियस के बारे में जो आइडिया था हैव यू हैव डिस्कस अर्लियर दैट वन ऑफ द अर्ली डिस्कवरर ऑफ द सेल वाज रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल एक एम्प्टी स्पेस था जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक थिक वॉल है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये वो साइंटिस्ट है जिसको कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इसने कहा नहीं, सेल इज नो मोर एम्प्टी, सेल हैज ए सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर करके एक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था और दैट आइडिया वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। लोकेशन हम देखते हैं विद इन द सेल न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है। अब सेल के अंदर यूजली मैंने पहले आपको बताया कि न्यूक्लियस का मतलब क्या है सेंट्रल। तो यूजली या इन जनरल मोस्ट कॉमन सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल होते हैं, तो एनिमल सेल के सेंटर में ही होता है, इट इज सेंट्रल इन एनिमल सेल। बट प्लांट के अंदर इसकी पोजीशन स्लाइटली पेरिफेरल चली जाती है। क्यों स्लाइटली पेरिफेरल चली जाती है? क्योंकि सेंट्रल पार्ट वैक्यूल आ जाता है। और क्यों सेंट्रल पार्ट वैक्यूल आ जाता है, उसकी रीजन क्या है वैक्यूल सेंटर आने की? उसकी रीजन ये है क्योंकि प्लांट सेल को सपोर्ट चाहिए और ये वैक्यूल टर्गर प्रेशर के जरिए प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूक्लियस इज ऑनली विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते न्यूक्लियस विजिबल होता है, डिवाइडिंग सेल में गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? आपको पता है कि इसी बेस पर तो हम माइटोसिस को डिवाइड कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर माइटोसिस या क्लोज माइटोसिस या दूसरी जो माइटोसिस होती है ओपन माइटोसिस जिसको हम इन जनरल पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर माइटोसिस में तो यूजली क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती और ये गायब नहीं हो रहा होता, बट इन जनरल माइटोसिस की प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है और न्यूक्लियर मटीरियल रिलीज हो जाता है, फिर माइटोटिक एपरेटस बनती है। सो इट इज नॉट विजिबल इन डिवाइडिंग सेल बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर एट लेट प्रोफेज एंड दिस रप्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव अ स्पेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस एंड इट इज ऑर्गेनाइज एट द सेंटर। इसलिए डिवाइडिंग सेल में मोस्ट एंड प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो माइटोटिक एपरेटस होती है, जबकि नॉन डिवाइडिंग सेल में मोस्ट प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, याद रखना न्यूक्लियस की बेस पर तो हमने सेल को दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। न्यूक्लियस के लिए इन जनरल वर्ड कैरियो यूज होता है, कैरियोन से वर्ड निकला है, कैरियोन मीन न्यूक्लियस। लिहाजा न्यूक्लियस जब इवॉल्व हुआ और प्रोबेबली कहा जाता है कि ज्वाइंट अमेबा पहला यूकैरियोट था जिसमें न्यूक्लियस अपीयर हुआ था, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 बिल्कुल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है। जो पहले मैक्सोप्लास्ट्रस है ज्वाइंट अमेबा, दैट इज मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस सबसे पहले क्या हुआ था, वो विजिबल हुआ था। तो फर्स्ट न्यूक्लियस यानी फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल इज प्रोबेबली और मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल वाज ज्वाइंट अमेबा और उसमें न्यूक्लियस विजिबल हो गया। इसलिए जिन जिन सेल के अंदर भी आपको ट्रू न्यूक्लियस मिल गया दैट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? आर न्यूक्लियस दैट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट्स डीएनए। तो न्यूक्लियस इज नथिंग एक्सेप्ट आर डीएनए इनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस से पहले वाले जो भी सेल थे उसमें न्यूक्लियस नहीं था उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो दिस सेल वाज बिफोर द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस, दिस सेल वाज बिफोर और द एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट एवॉल्व न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का हम वर्ड यूज करेंगे, ई वर्ड मतलब था एग्जिट, यानी ये था कोई यूकैरियोटिक सेल दैट हैव लॉस्ट न्यूक्लियस, जैसे हमारे आरबीसी होते हैं। तो आरबीसी में न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल स्पेस देनी होती है हीमोग्लोबिन को,
और भी बहुत से सेल हैं जैसे सीव ट्यूब सेल होते हैं, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। सो सेल विदाउट न्यूक्लियस आर कॉल्ड ई न्यूक्लियेटेड। सो ई न्यूक्लियेटेड और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पूछा गया। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव आर द सेल दैट वर प्रेजेंट बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, यानी इनमें न्यूक्लियस सिर्फ ही नहीं था। बट ई न्यूक्लियेटेड वो आर यूकैरियोटिक सेल दैट हैव लॉस्ट न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस था और क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। सो द सेल दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियस फ्रॉम देयर ओरिजिन दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, एंड सेल दैट हैव न्यूक्लियस एट देयर ओरिजिन बट दे हैव लॉस्ट इज कॉल्ड ई न्यूक्लियेटेड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लियेटेड मीन्स न्यूक्लियस। तो सेल विद सिंगल न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनो न्यूक्लियेटेड, जैसे हमारे स्मूथ मसल सेल जो होते हैं मोनो न्यूक्लियेटेड होते हैं, या इन जनरल हम सेल को मोनो न्यूक्लियेटेड ही कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, इन जनरल प्लांट सेल मोनोन्यूक्लियेटेड होते हैं। बाई न्यूक्लियेटेड मीन टू न्यूक्लियस आना, ठीक है, बाई बाई मीन टू न्यूक्लियेटेड मीन न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस एक जैसे हैं, उनका तल्लुक उसी स्पीशीज से है, दोनों की जेनेटिक कंपोजिशन एक जैसी है। तो जब दो न्यूक्लियस एक सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाई न्यूक्लियेटेड सेल। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो होती है वो कैंसर सेल होते हैं, मोस्टली बाई न्यूक्लियेटेड सेल होते हैं, उसमें दोनों सेल एक जैसे, दोनों न्यूक्लियस एक जैसे होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन ही होती है, दोनों के अंदर जीन्स एक जैसी होती है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो टू न्यूक्लियाई हैविंग आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड बाई न्यूक्लियेटेड। लेकिन अगर एक सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं लेकिन दोनों न्यूक्लियस में जेनेटिक मटीरियल डिफरेंट है, एक कोई पॉलीपेप्टाइड है एक मोनोप्लाइड है, या दोनों हैप्लाइड हैं लेकिन उनमें जीन्स डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज ताल्लुक रखते हैं, तो उसके लिए वर्ड डाइकैरियोटिक यूज करते हैं। तो डाइकैरियोटिक और बाइन्यूक्लियेटेड दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दो ही हैं, लेकिन बाइन्यूक्लियेटेड में बोथ न्यूक्लियाई बिलोंग टू द सेम इंडिविजुअल सेम स्पीशीज, बट डाइकैरियोटिक में बोथ न्यूक्लियाई जेनेटिकली डिफरेंट एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे फंगस में आप पढ़ते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, बिल्कुल बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के अंदर डाइकैरियोटिक फेज एग्जिस्ट करता होता है। मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल हैविंग मोर देन टू न्यूक्लियर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लियेटेड, जैसे हमारे स्केलेटल मसल सेल जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियेटेड होते हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें कि न्यूक्लियस किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन, एक्चुअली न्यूक्लियस इज नथिंग एक्सेप्ट डीएनए इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इसके अलावा भी डीएनए रेप्लिकेशन इसी में होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की सारी एंजाइम इसी में मौजूद होगी, जैसे पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, टोपो आइसोमरेज है, डीएनए गायरेज एंजाइम है, इसी तरह से आगे हम प्राइमेज एंजाइम पढ़ेंगे। तो ऑल एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑल एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आर एक्चुअली फाउंड इन न्यूक्लियस। सो डीएनए आरएनए प्रोटीन और बहुत से एंजाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज हो सकते हैं, जैसे डीऑक्सी एटीपी डीऑक्सी जीटीपी, ये सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा होंगे इनऑर्गेनिक फास्फेट मौजूद होंगे। अब हम इसकी स्ट्रक्चर का एक ओवरऑल व्यू में बताता हूं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के चार बड़े कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज, प्लाज मीन फ्लूइड लाइक और न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस आल्सो हैव अ विदाउट मेम्ब्रेन अ डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। फिर इसमें कुछ नेटवर्क ऑफ डीएनए होगा जो बाद का अरेंज होकर कंपैक्टली अरेंज होकर वो क्रोमोसोम बना देगा। तो ये चार कंपोनेंट मस्ट होंगे किसी भी न्यूक्लियस के पास, कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो दिस होल इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, इसके थ्रू एक्चुअली मैसेंजर आरएनए बाहर निकल रहा होता है, राइबोसोम बाहर निकल रही होती हैं, प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बन के अंदर आ रही होती हैं, तो ट्रैफिक हो रही होती है। ये जो फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है इनक्लोज्ड बाय इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट।
और यही जो हमारे पास होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर या निकल रहा होता है। फिर न्यूक्लियस के सेंटर में एक डेंसली पैक विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर एक्चुअली राइबोसोम सिंथेसाइज हो रही होती है। तो फैक्ट्री ऑफ एक्चुअली राइबोसोम इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। फिर जो क्रोमैटिन है, एक नेटवर्क ऑफ डीएनए आपको मिलेंगे इस तरह से बिखरे पड़े होते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। जब ये हाईली कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बना रहा होता है। सो थैंक यू, अभी हमने इसका एक ओवर व्यू दिया इस टॉपिक का। वन बाय वन आगे हम डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, उसकी फर्दर डिटेल, न्यूक्लियोप्लास्ट की डिटेल, न्यूक्लियोलस की डिटेल और क्रोमोसोम या क्रोमैटिन की डिटेल, और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, दे कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, तो सो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए काफी सोधमंद साबित हुई होगी। अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे, और जिस मकसद के लिए आप ये तालीम हासिल कर रहे हैं ये आपके लिए इसको नफा बख्श बना दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।